हेलो गाइज, आज के इस वीडियो पे हम लोग जानने वाले हैं अपकमिंग रेडमी नोट 13 प्रो के बारे में। कब तक ये फोन इंडिया पे आएगा, इंडिया वाले वेरिएंट में क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले एंड किस प्राइस पॉइंट पे इस फोन को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा, ये सभी डिटेल्स आज के इस वीडियो के साथ हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को विदाउट इन्वेस्टिंग द टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड एंड लुक से। तो ये फोन काफी अट्रैक्टिव से लुक एंड डिजाइन के साथ आया है। देख सकते हो साइड कॉर्नर्स बिल्कुल भी फ्लैट रहने वाला है, यानी कि बॉक्सी सा डिजाइन दिया गया है। बैक में एक अलग सा टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिला है जो कि काफी अट्रैक्टिव सा लग रहा है। इंडोर पे डिफरेंट वाइब होगा फोन का एंड आउटडोर पे डिफरेंट वाइब होगा इसके टेक्सचर की वजह से। अंदर की स्पेक्स की बात कर ले गाइस, तो फोन 6.67 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एक ओलेड फ्लैट डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, यानी कि डिस्प्ले स्मूथ एक्सपीरियंस देगा ही। साथ ही ये डिस्प्ले 12 बिट के कलर सेचुरेशन को सपोर्ट करने वाला है, यानी कि देखा जाए तो और भी नेचुरल कलर डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेंगे। साथ ही HDR10 प्लस 1800 निट्स की अल्ट्रा पिक ब्राइटनेस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ आया है, यानी कि मिड रेंज के अंदर एक फ्लेक्सिबल एक्सपीरियंस डिस्प्ले के साथ मिलने वाला है। कैमरास की बात करें तो रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जहां पर 200 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS, जहां पे HP3 वाले सेंसर को यूज किया गया है, जिसकी क्लियरिटी एंड डिटेलिंग काफी बेटर होती है, यानी कि फोन के साथ अच्छे खासे क्लियरिटी के साथ फोटोज एंड वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, वो भी स्टेबल पे। बाकी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। यहीं पे फ्रंट पे सेंटर पंच होल कोडॉट के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया गया। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाले प्रोसेसर के साथ आया है, जिसकी एंटूदु बेंचमार्क स्कोर 6 लाख के ऊपर चला जाता है। 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा। तो देखा जाए तो ये फोन के साथ इजिली आप लोग गेमिंग कर पाओगे विदाउट लैगिंग एंड हीटिंग इशू। बाकी 5100mAh की बड़ी सी बैटरी दी गई है और इसे चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, जो कि 35-40 मिनट के आसपास आपके बैटरी को फुल चार्ज करने वाला है। तो ये कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स होंगे ये फोन के साथ। अब अदर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक, IR ब्लास्टर, ये सब कुछ रहने वाला है। बाकी विद बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आया है। अब बात करें ये फोन कब तक एंड किस प्राइस पॉइंट तक इंडिया पे लॉन्च हो सकता है, तो बताया जा रहा है कि ये फोन नेक्स्ट ईयर मिड ऑफ जनवरी तक इंडिया पे लॉन्च हो सकता है। 80-90% पॉसिबिलिटी है कि ये फोन मिड ऑफ जनवरी तक हम इंडिया पे देखने को मिल जाए। लेकिन एक कंफ्यूजन काफी सारे लोगों के दिमाग में है कि ये फोन यही नेम के साथ इंडिया पे आएगा या अदर नेम के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि ये फोन इंडिया के अंदर Xiaomi ब्रांडिंग के अंदर आएगा, Xiaomi 13i के नेम के साथ आ सकता है। बाकी ये फोन को चाइना पे 16,000 के प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया पे GST वगैरह ऐड करके 20,000 के आसपास तक ये फोन की प्राइसिंग जा सकती है। फिलहाल आप लोग बताना कि ये फोन को लेकर आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मिलते गाइस अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।